पिछले वीडियो में आपने देखा कि मैं पूरे 2 महीने बाद कोलकाता से बनारस वापस आया और बनारस आते ही अपनी प्यारी धन्नो निकाली और पहुंचा सीधा बनारस के दिल गोदौलिया। वहां से दशाश्वमेध घाट और घाट से सीधा काशी विश्वनाथ धाम। पर्सनली मैं जितनी बार भी इस धाम आऊं मेरा दिल नहीं भरता। वो मन को शांत करने वाली हवा, माँ गंगा की वो दिल को सुकून देने वाली लहरें, यहाँ वक्त कैसे बीतता है ये आपको महसूस तक नहीं होगा। वैसे तो काशी विश्वनाथ आने के कई रास्ते हैं, लेकिन गंगा द्वार की बात ही कुछ अलग है। गंगा द्वार से अंदर आते ही एक तरफ है दर्शन गैलरी, जहां से आपको ऐसे अद्भुत नजारे मिलेंगे जो आपके सीधे दिल में बस जाएंगे। व्यूइंग गैलरी है जिसे दर्शन गैलरी भी कहते हैं। जनरली यहाँ पे बहुत भीड़ होती है, लेकिन इसका सबसे अच्छा टाइम होता है या तो आप सनराइज के टाइम आइए या सनसेट के टाइम आइए। वैसे सनसेट के टाइम उतनी अच्छी वाइब नहीं आएगी, लेकिन गंगा नदी का सीन अच्छा दिखता है। अगर आपको मेन जो फैक्ट महसूस करना है वो आपको सनराइज के टाइम ही मिलेगा यहाँ पर। और इस खूबसूरत नज़ारे के आगे मेरा कुछ कहना बेकार है। दूसरी तरफ है वो कमाल की जगह जहाँ से आपको जिंदगी के दोनों पहलू दिखाई देते हैं। एक तरफ आपकी जिंदगी की मोहमाया है और दूसरी तरफ जिंदगी की सच्चाई। कमाल है ये गैलरी। वैसे तो इस खूबसूरत मंदिर की बहुत कहानियां हैं, लेकिन मेरे दिल को जो कहानी सबसे ज्यादा छूती है वो है ऋषि शंकर गिरी जी की, जो पिछले 40 साल से रोज सुबह 7 बजे से 12 बजे और शाम 5 बजे से 7 बजे तक त्रिशंडेश्वर महादेव और भागीरथी विनायक मंदिर की सेवा करते हैं। कॉरिडोर बनने के पहले और कॉरिडोर बनने के बाद भी ये रोज इस मंदिर पर सेवा करने आते हैं। ऐसा है कि ये त्रिशंडेश्वर महादेव हैं पीछे में, ये त्रिशंड विनायक हैं और ये काशी के अंदर 56 विनायक हैं, उसमें से एक विनायक ये हैं भागीरथी विनायक। ऐसा वेदों पुराणों में लिखा गया है कि इनके दर्शन मात्र से जो 3 बार संध्या काल में पूजा किया जाता है, संध्या पूजा, इनके दर्शन मात्र से जो है तो तीनों संध्या काल के फल की प्राप्ति हो जाती है। पहले ये आपका घर हुआ करता था कि नहीं? पहले भी यहाँ घर रहा, घर था, तब भी आप हमेशा सेवा देते थे और आज काशी विश्वनाथ बनने के बाद भी? अरे उसके बाद तो सेवा दे रहे, जब खंडहर हो गया था तब भी आते थे, दोनों टाइम आते थे, शाम को आरती करने, सुबह पूजा करने, नहलाने धुलाने, जबकि बहुत ही दिक्कत रहा, लेकिन अब तो खैर मान लीजिए प्लेन जमीन हो गया। नहीं तो पहले तो आप लोग देख रहे होंगे कि कितना खंडहर एकदम चारों तरफ, हम तो कहते हैं कि उतना खंडहर आदमी सपने में नहीं देखा होगा अपने जीवन में जितना हम लोग अपनी आँख से देखे कि इतनी बड़ी एरिया। आगे बढ़ने पर पड़ता है भारत माता मंदिर, जहाँ पर लोगों को सिर्फ फोटो खिंचाने की ही इच्छा थी, और उसी के ठीक सामने है कॉरिडोर का गेट नंबर 1, और इसी गेट नंबर 1 से आप प्रवेश करते हैं मेन काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ। लेकिन इसके आगे बढ़ने पर ही मेरा पोपट हो जाता है जब मुझे पता चलता है कि गेट नंबर 1 के आगे मैं अपना गोप्रो नहीं लेके जा सकता। एक बुरी खबर है भाई कि ये गोप्रो जो है वो गेट नंबर 1 से अंदर नहीं जाएगा, तो इसके बाद जो आपको शॉट मिलेंगे वो मोबाइल से देखने को मिलेंगे। अभी मैं इसको जमा कराने जा रहा। फिर मैं अपना गोप्रो और उसके सारे एसेसरी लॉकर में जमा करके वापस अंदर प्रवेश करता हूँ, और भाई साहब अंदर जो माहौल होता है उसे बताना शब्दों के बस की बात ही नहीं है। गेट से ही दिखते हमारे प्यारे भोलेनाथ का मंदिर, दर्शन के लिए खड़े भक्तों के आंखों में श्रद्धा, क्या कमाल नज़ारे हैं। बनारस की और खूबसूरत वीडियोस को देखने के लिए बाएं तरफ की प्लेलिस्ट पर क्लिक करें।